डियर लर्नर, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हम एक बहुत छोटा सा वीडियो करेंगे, 2-3 मिनट का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी को दिख रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं आपके, SBI ने 10,246 करोड़ के अभी तक बेच दिए हैं, जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया था। आप सभी को पता है कि 2018 से क्या है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया था। ये आपके सामने एक SBI के इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या है, सैंपल है, जिसे हम आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। अगर हम आगे देखें तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो 10,246 करोड़ के हैं, जो अभी तक मार्च 2018 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है बेचे हैं, इनमें से ज़्यादातर, यानी कि 93% से भी ज़्यादातर जो टोटल बॉन्ड्स हैं, वो उनका डिनोमिनेशन 1 करोड़ है। यानी कि इतने ज़्यादा अमीर अमीर लोग हैं जो 1-1 करोड़ रुपए क्या कर रहे हैं, या उससे ज़्यादा दान कर रहे हैं। यानी 93% से भी ज़्यादा, केवल 0.25% जो है वैल्यू लाख में, 10,000 में, या आपका 1,000 के डिनोमिनेशन में दी जा रही है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये हो क्या रहा है, ये 1 करोड़ ये क्या। इसको आप सब समझ सकते हो जब आप एक क्या करें, इसका सैंपल अच्छी तरीके से देखें। देखो, इस सैंपल से हमें काफ़ी जो है नॉलेज मिल रही है। सबसे पहली बात तो ये तो SBI का क्या है, इलेक्ट्रल बॉन्ड आपके सामने लगा हुआ है। 10 अप्रैल 2018 को ये इशू हुआ था। पहला प्रीलिम्स का पॉइंट, ये कितने दिनों तक वैलिड रहता है, तो भैया ये 15 दिनों तक वैलिड रहता है, जो आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है इंस्ट्रूमेंट की 1,000 रुपये मात्र है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, बॉन्ड आपका 1,000 रुपये का है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड होते क्या है, आप समझिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब इलेक्शन होता है, या नॉर्मल डेज इलेक्शन नहीं भी हो, बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करते हैं, फंड देते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब जो पॉलिटिकल पार्टी को फंड देते थे, तो पॉलिटिकल पार्टी भी उसको नहीं बताती थी भैया ये फंड कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। तो ट्रांसपेरेंसी के बहुत ज़्यादा इशू आते थे, और फेवरेटिज्म के बहुत ज़्यादा इशू आते थे। ठीक है ना, तो जो है ये जो है एक तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म के अंदर ही किया गया कि क्यों ना हम इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करें। अब इसमें क्या होगा, जो भी कस्टमर होगा जिसका KYC एक अच्छी तरीके से जो है RBI के द्वारा जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, और मैं SBI की ब्रांच में गया। अभी आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि SBI की कौन कौन सी ब्रांचें जो थी आपकी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इशू कर सकती थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ और इस बैंक के पास, SBI की ब्रांच के पास, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इशू कर सकती है, और मेरा जो है मन कर रहा है कि मैं एक्स नाम की पार्टी को 1 करोड़ रुपये का चंदा दूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 करोड़ रुपए का जो है क्या करूंगा, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या कर लूंगा, खरीद लूंगा। समझ में आया, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, एक तरीके का बेरर बॉन्ड होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, बेरर बॉन्ड का मतलब कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, नहीं। ठीक है ना, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें खरीदने वाले का नाम नहीं है। इससे क्या होगा, आपकी गोपनीयता भी बनी रहेगी, ठीक है, और पार्टी को भी नहीं पता चलेगा कि भैया किसने उसको पैसा दिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, फेवरेटिज्म काफी हद तक कम हो सकता था, तो इसीलिए जो है इसको बेरर बॉन्ड की तरीके से ट्रीट किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता भी है। तो मान लो कि मैंने 1 करोड़ का लिया, तो यहाँ पे क्या है, जो अभी 1,000 रुपये लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा होता, 1 करोड़ का। ठीक है, अब ये जो मेरा कागज का टुकड़ा बॉन्ड वाला आ गया, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, ये मैं जो है जो भी मेरे पार्टी को देना है, मान लो एक्स नाम की पार्टी को देना है, मैं उसको दे दूंगा। वो पार्टी क्या करेगी, इस बॉन्ड को क्या करेगी, भुनाएगी, यानी कैश करवाएगी इन द शॉर्ट, अपने उस अकाउंट में जो उसने RBI को दे रखा है कि भैया ये मेरा अकाउंट है, जितने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड आएंगे वो इस अकाउंट में जाएंगे। क्या ये बात समझ भाई, तो 1 करोड़ रुपये क्या करेगी पार्टी, अपने अकाउंट में क्रेडिट करा लेगी, मेरा दान का दान हो गया, पॉलिटिकल पार्टी को क्या हो गया, 1 करोड़ रुपये मिल गया। अब इस पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं पता है कि भैया 1 करोड़ रुपये किसने दिया, क्योंकि भैया उस कागज के टुकड़े बॉन्ड में नाम तो लिखा नहीं था। ठीक है, तो ये सोचा जाता था कि अब इससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी जीत भी जाती है तो फिर या इस बंदे को फेवरेटिज्म नहीं करेगी। पहले क्या होता था, भैया किसी ने 20 करोड़ का चंदा दे दिया, अगर वो पार्टी जो है पावर में आ गई तो भैया 20 करोड़ की जगह वो 200 करोड़ का काम निकलवाएगा। ठीक है ना, तो ये सब क्या, इलेक्ट्रॉन रिफॉर्म के में थे। तो ये खबर जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RTI के सोर्सेस पता चला है। क्या पता चला है आपको, वही सेम कि भैया एक अच्छी खासी अमाउंट जो है क्या है आपकी, SBI ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा क्या करी है, ली है, मतलब इतने के इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचे हैं। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है,
कि देने वाले जो है ज्यादातर क्या है करोड़ों से भी ज्यादा दे रहे हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो 1 लाख, 10 हजार या 1000 के जो है डी नॉमिनेशंस में दे रहे हैं। तो आपको ये फंडा समझ में आ गया, ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें से कौन कौन सी अथोराइज थी, अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ने का तो पढ़ सकते हैं, कि SBI ने अपनी कम से कम 29 ब्रांचों को जो है ऑथोराइज करा था, जिसमें लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, मुंबई, रायपुर, भोपाल, गांधीनगर, श्रीनगर, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, ये क्या थी आपकी ब्रांचों से जो है आप जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकते थे। क्या सर हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकते हैं? बिल्कुल आप लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो जो इंडियन सिटीजन है या जो इंटाइटीज इनकॉरपोरेटेड है, इस्टेब्लिश है हमारी कंट्री के अंदर, वो सब के सब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, एक तरीका बेरर इंस्ट्रूमेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि बेरर इंस्ट्रूमेंट की क्या पहचान होती है और किसको कहते हैं। इस पर ऑलरेडी UPSC ने क्वेश्चन पूछ रखा है, तो उत्तर प्रदेश PCC पूछ सकता है। इलेक्ट्रोरल बॉन्ड बैलेट कब होता है ये भी हमने सैंपल में देख लिया, तो सैंपल से हमें काफ़ी चीज़ें याद रहेंगी, हमारी मेमोरी में बनी रहेंगी, ठीक है ना, क्लियर। आगे अगर 15 दिन से ज़्यादा हो गया, मान लो आपने एक एक्स नाम की पॉलिटिकल पार्टी को दिया, ठीक है, और वो क्या हो गई, भूल गई, या मान लो किसी कारणवश जो है 15 दिन के अंदर उसको भुना नहीं पाई, तो भैया फिर क्या होगा, कोई भी पेमेंट उसको नहीं मिलेगा और उसको एक्सपायर मान लिया जाएगा, ठीक है। और एक्सपायर मान लिया जाएगा तो ऑब्वियस बात है जिस बैंक से जिस इंसान ने खरीदा होगा उसको इन्फॉर्म हो जाएगा कि भैया तुम्हारा वापस हो गया, आप चाहें तो पुनः क्या करें, बॉन्ड खरीद के उस पार्टी को दें। तो इस तरीके का सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है पूछी जा सकती है, कि क्या सर हम सभी पार्टियों को जो भी है उन सभी को जो है चंदा दे सकते हैं, ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो इसके लिए एक बहुत शानदार नियम बनाया गया है कि आप उन्हीं रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है ना, आप जो है उनके नाम पे इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। नाम पे क्या, आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद के उनको दे सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने कम से कम 1% तो वोट जो है जितने पोल्ड हुए हैं, मतलब जो पड़े हैं, चाहे वो लोकसभा की बात हो चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन की बात हो, ठीक है ना, कम से कम 1% उनके वोट की शेयरिंग होनी चाहिए। 1% से कम है तो भैया वो एलिजिबल नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। मान लो अगर आपके जो है एक्स अमाउंट ऑफ वोट पड़े हैं लोकसभा में, तो भैया उसका 1% से ज़्यादा शेयर उस इलेक्ट्र जो है पार्टी के पास होना चाहिए वोटों का, ठीक है। सीट कितनी आए इससे मतलब नहीं है, जितने वोट पोल्ड हुए हैं उसका 1% से ज़्यादा है तो भैया वो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को एक्सेप्ट कर सकती है, अदरवाइज हर कोई पार्टी नहीं कर सकती है, ठीक है, क्लियर। तो आप जो है इस पे हमने जो है पहले क्वेश्चन कर भी रखा है इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, आप चाहें तो मेंस में इस पे क्वेश्चन लिख के मेरे को अनअकैडमी की प्लस की क्लास में चेक करवा भी सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरे से पढ़ना है सॉरी, तो आप अनअकैडमी का UPPCS का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है मैं आपको थारोली पढ़ा रहा हूँ। हमारा 2023 का बैच चल ही रहा है UPPCS का, बहुत शानदार तरीके से, इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की आपको तैयारी कराई जा रही है सबसे कम फीस में, ठीक है ना, क्लियर। तो आप चाहें तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी जो है हमने रिसेंटली जो है ROARO का बैच लॉन्च करा है, तो आप देख सकते हैं जो 17 नवंबर से स्टार्ट है। ये अनअकैडमी का UPPCS चैनल है, ये अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है, तो आप चाहें इसको भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखना, जिसको मैं दोबारा से यूट्यूब पे वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो एक इम्पोर्टेंट है हमारे GS के पेपर 2 के हिसाब से, ठीक है ना, क्लियर। GS के पेपर 2 और आपके प्रीलिम्स का तो ये क्या है पॉइंट बन ही रहा है कि आपका 15 दिन का टाइम होता है और बियरर बॉन्ड कैसे क्या होता है, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल है, इस तरीके के तो नोट्स जरूर बनाना। थैंक यू वेरी मच।